जिसने घपला किया उसे तो कब्रिस्तान में नहीं जाना है, बराबर ना? लेकिन मुझे तो वहाँ जाना है, तो मुझे तो मेरी आखिरत का घर बनाना है, क्या नहीं? जितेंद्र आवाज ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तो आपके पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है? अरे सबसे बड़ी शर्म की बात है, पानी के लिए आमदार आंदोलन करता, सोच क्या ढूंढ रहा था आमदार? पत्थर ढूंढ रहा था और माफेन दो रहे थे सबके। आमदार क्या ढूंढ रहा था? कुछ पैसे गिर गए थे उसके। अरे जाके देख क्यों डायमंड और के बारे में किसका बंगला है? मैं क्यों चोरों का नाम लूं? चोरों की बात तो चोर खुद करते हैं। नगर सेवक हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, गटर का रिबिन आप काटते हो। आपने तो जितने रिबिन काटे, नाली गटरों के काटे, लेकिन चोर बोल के झूठ बोले कौवा काटे। जो आजकल बैनर्स लगे हैं रस्ते पे, मस्जिद में जाके मौलाना को पूछिए 7 से 8 हजार में होता क्या है, घर चलता है? काम काम किया क्या उन्होंने? शेड्यू लोग बोलते हैं जिनको पॉकेट मिला जाता है। 15 दिन के मेहमान को जाने तो दीजिए। कौन है एनसीपी? किस तरीके के दिमक लगाया है हमारे मुमरा को? क्या उसको साफ करने मुझे टाइम तो लगेगा ना? नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में हम फिर एक नई चेहरे को लेकर मुमरा की सियासत पे चर्चा करेंगे। बीजेपी से रीजा रशीद, जो एक सालों में अपनी पहचान अपने कार्यों से जानी जाती है, विधायकी की चुनाव सर पर है। ऐसे में हर सियासी नेता एड़ी से चोटी तक जोर लगाना शुरू कर दिया है। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए एक नई एजेंडा तैयार करती है। ऐसे में हम बात सीधी सीधी करेंगे रीदा रशीद से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में। रीदा मैडम, आप जो है लोखंडवाला से मुमरा में आए और यहाँ पर क्या एजेंडा लेकर आए आप? देखिए एजेंडा यही है, सरकार की योजना यहाँ पहुँचे, सरकार के काम यहाँ हो। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ तक पहुँची नहीं है, 10 सालों में लोगों ने पहुँचा ही नहीं है यहाँ पर। जो विधायक का काम होता है वो काम किया नहीं है उसने। उन्होंने हमारा खाया है लेकिन बाहर से लाया नहीं है। विधानसभा में तो आप चिल्ला रहे हो कि हम इतने वोट से जीतेंगे, लेकिन आप ये उल्टा गिनती भी चालू करिए। लेकिन आज इस तरीके से काम कर रही हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर सब तरीके की सुविधा पहुँचनी चाहिए। आप 1 सालों से मुमरा में हैं, मुमरा को किस तरह से आपने समझा? आपको पता है मैंने किस तरीके से मुमरा को समझा है। जब से मैं आई, पहला तो मैंने ऑब्जर्व किया, काफ़ी सारे मसले थे जिसको समझा देखा। ऐसे नहीं आने के साथ खुद पड़ी, ऐसा तो नहीं हुआ। 2-3 महीना मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा, जिसमें सबसे बड़ा मसला था तो कब्रिस्तान, जो आप लोग ने देखा। मैंने उसको रास्ते पे लाया और यहाँ के कुछ मसले ऐसे थे, TMC के आगे कभी गए नहीं थे, उसको मंत्रालय तक ले जाना, उनको तक ले जाना। एक मिनट, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। आपने जो है कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, मुमरा में सबसे बड़ी मुद्दा जो था वो कब्रिस्तान का था, आपने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया और उसमें आप फेल हो गए। कैसे फेल हो गई? पूरी तरह से फेल हो गए। कैसे फेल हो गई मुझे बताइए ना, कैसे फेल हो गई? दूसरा जो कब्रिस्तान, नहीं नहीं देखिए फेल नहीं हुई हूँ। हाँ। नहीं नहीं एक मिनट, फेल नहीं हुई हूँ। कब्रिस्तान का मुद्दा उधर ही है, कब्रिस्तान का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। एडिशनल हमारे कौम को कब्रिस्तान मिला हुआ है, लेकिन जो UDI ने पास किया, जो कब्रिस्तान की जगह है वो तो उधर ही है ना, उस पर तो कुछ बांधने दिया नहीं है अब तक और ना ही बांधने देंगे आगे भी हम। लेकिन वो तो वही हो गया, जहाँ पर विधायक ने दिया वहीं पर जो है लोगों का विरोध, विधायक की बात ना करें, लोगों का विरोध कहाँ था, लोगों का जो है मांग कहाँ थी? लोगों का मांग था मित्तल में मिलना चाहिए, जो सर्वे नंबर 107 है वहाँ पर मिलना चाहिए, जो ED ने पास किया। लेकिन यहाँ पर तो वो स्लाटर हाउस पे कब्रिस्तान दिया गया। आप सत्ता में रहते हुए आपने कुछ भी नहीं किया, आपने भूख हड़ताल भी किए वहाँ पर, मुमरा स्टेशन पर भूख हड़ताल की आपने, फिर भी फेल हो गए आप। नहीं, आप ये बात नहीं बोल सकते। हमारी डिमांड क्या थी? जो UDI ने पास की हुई जगह है, स्वेटर हाउस तो तुमने कब्रिस्तान बना दिया। मतलब मेरा तो ये कहना कि हमारे कौम की जो रोजी रोटी की जगह थी ना, उसको कब्रिस्तान बनाया। यहाँ के आमदार ने क्या किया? आपने वही तो मेरा सवाल है कि आपने क्या किया? आप सत्ता में है, जहाँ पर जनता की मांग थी वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला। ये सातिर दिमाग जो होता है ना, उन्होंने इतना बिल किया हुआ है सातिर ने, इस तरीके के दिमक लगाया है हमारे मुमरा को, क्या उसको साफ करने मुझे टाइम तो लगेगा ना? जब मैं आई, जब मैंने मुद्दा उठाया, सुनिए ना, अभी बस 15 दिन के मेहमान तो बचे हैं।
यानी मेरा आज भी डिमांड है, जो भी यूडी ने पास की हुई जगह है और जो यूडी ने पास की हुई हमारी स्लॉटर हाउस की जगह भी थी वो भी हम उमराकर को देंगे, और जो कब्रिस्तान की जगह है वो बेची गई हो कुछ भी हो लेकिन वहाँ कब्रिस्तान शमशान भूमि वो बनेगा और बना के ही रहूंगी। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ आपसे, जो है आपने जब आए थे मुमरा में तो सबसे पहला आपने मुद्दा क्या उठाया था? कब्रिस्तान। बिल्कुल, आज भी मेरा वो मुद्दा है, कब्रिस्तान को मुद्दा उठाया था, लेकिन हुआ क्या? आज भी वो मेरा मुद्दा है। हुआ क्या? वही हुआ ना, 15 दिन के मेहमान को जाने तो दो लोगों की। 15 देखिए कब्रिस्तान का मुद्दा है, मैं कब्रिस्तान पे तो काम कर रही हूँ। 9 साल जो नहीं हुआ था, 9 साढ़े 9 साल जो नहीं हुआ था वो इलेक्शन के टाइम पे दे दिया गया है। लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि मेरे कौम की मैं कमा के खाने वाली जगह, आज अगर आप स्वेटर हाउस की बात करोगे तो देवनार देखिए, आज साल एक साल में भी काफी वहां पर हमारे लोग आते हैं, कमाई होती है। इंशाल्लाह मुमरा में भी होगा, वो जगह हम वापस लेंगे। लेकिन और भी मेरे लिए बहुत मुद्दे थे, यहाँ पर खाली हमारी जगहों की खेल नहीं हो रहा था, यहाँ पर सरकार की बातें भी नहीं पहुंच रही थी, सरकार की योजना भी नहीं पहुंच रही थी। लेकिन मैडम आप यही बात है हमारी जो है कि जो मुमरा की जनता ने मांग की थी वो चीज पर जो है आपने जो है उनको नहीं दिला पाए, तो कहीं ना कहीं ये हार ही ना आपकी। कैसे हार है? क्यों, किस तरीके से? मैं तो नहीं मानती हूँ, मैंने, मुझे तो लगता है ये सरकार आने की वजह से ही ये बात हुई। आने से पहले ही जो है वो कब्रिस्तान वहां पे दे दिया गया था, नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा। देखिए 15 दिन के मेहमान को जाने तो दीजिए, मेहमान आता है ना तो उसी की चलाता है ना वो, क्योंकि मेहमान नवाजी उसी की होती है, मेहमान नवाजी खत्म होने दीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ हमारे लोगों को मिलेगा। कब तक करेंगे आप? बस आचार संहिता जैसे खत्म होगा वैसे सब काम। यही सब सुनते सुनते 1 साल हो गया आपको मुमरा में राजनीति करते हुए, देखा का अभी तक काम तो शुरू ही नहीं हुआ है मेरा, अब तक शुरू तो होने दीजिए। जो भी किया है अभी बस आने वाले इलेक्शन के बाद पता ही चलेगा, जब इनको भी पता चलेगा कि इन्होंने जो भी किया है हमारे कौम के साथ उसका क्या नतीजा इनके सामने आएगा। रीता मैडम आप सत्ता में हैं, उसके बाद जो है आपने मंत्रियों के कई दौरे कराए उसी कब्रिस्तान पर, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एनसीपी से हाथ तो नहीं मिलाए हैं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। कैसे लगा? कोई डिसीजन नहीं जो कैसे लगा? कौन है एनसीपी आप मुझे बताइए, कौन है वो पार्टी? मैं किस पार्टी की हूँ? मैं देश की उस पार्टी की हूँ जो सबसे ज्यादा आमदार खासदार, अरे हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी की पदाधिकारी हूँ। आप फेल आप मुझे बोलोगे कि एनसीपी की तुलना करना है तो किससे कर रहे हो आप? मुमरा को कब्रिस्तान चाहिए था, आपने नहीं दिला पाए, फिर भी आप फेल हो रहे हैं। ऐसे नहीं दिला पाए, अगर आगे दिला पाए तो आप सत्कार करोगे? आगे दिला दूं तो सत्कार करोगे ना? याद रखिएगा आगे सत्कार भी आपसे ही लूंगी मैं। क्यों नहीं करेंगे? इंशाल्लाह देखिए उसी कब्रिस्तान में मुझे जाना है, जिसने घपला किया उसे तो कब्रिस्तान में नहीं जाना है, बराबर ना? लेकिन मुझे तो वहां जाना है, तो मुझे तो मेरी आखिरत का घर बनाना है क्या नहीं, तो मुझे तो करना ही है वो काम। रीता मैडम आप जो संस्था बनाई है, संस्था के थ्रू जो है लोगों को जोड़ने का काम किया है, उसमें आप कितना सक्सेस हुई है? मेरी संस्था आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, संस्था के जरिए देखिए कुछ भी काम करना है, आज पार्टी तो कर ही रही है, बहुत सारी योजना लाना है, बहुत सारे तरीके लाने हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो छूटी है सालों साल से हमारे लोगों को मिला नहीं। मैं खाली मुमरा की बात नहीं करूँगी, मैं मुमरा कलवा दोनों की बात करूँगी, जहाँ पर योजना नहीं आई है, सरकार ने जो चीज़ें दी है वो सरकार ने खुद बनाई है, यहाँ पर कभी भी यहाँ के आमदार ने यहाँ के महाराष्ट्र की कुछ चीज़ें लाई नहीं है। सीएम साहब के बहुत सारे योजनाज है, बहुत सारे काम है, यहाँ के एक भी सिंगल इंसान को मुझे बताइए सीएम रिलीफ फंड किसी को मिला होगा 10 साल में, तो इन्होंने लाया। तो आपने क्या लाया? मैंने लाया क्या? आपको मैं पूरी याद ही दे सकती हूँ, आप देखिए कालसेकर में जाके देखिए, कालसेकर में प्रधानमंत्री साहब का जो 5 लाख का योजना चल रही है, महात्मा फुले जी का जो योजना चल रही है, महात्मा कालसेकर इतनी बड़ी हॉस्पिटल में मैंने उस दिन विजिट किया, वहाँ पर महाराष्ट्र के दूसरे पेशेंट आके एडमिट होके जाते, इलाज करा के जाते हैं, बाईपास सर्जरी करा के जाते हैं, लेकिन मुमरा करो को मालूम नहीं है। लेकिन चोर बोल के झूठ बोले कौवा काटे, जो आजकल बैनर्स लगे हैं रस्ते पे, आप मुझे बताइए बड़े बड़े रस्ते कौन बनाता है? आप भी मुझे बताइए, अगर दिल्ली सरकार बनाती है या महाराष्ट्र सरकार बनाती है या कहीं विधायक बनाता है? लेकिन आज मैं बैनर्स देखती हूँ तो वहाँ पता चलता है विधायक आज भी आश्वासन दे रहा है कि ये ब्रिज बना दूंगा, ये एक रास्ता बना दूंगा, ये कर दूंगा। अब तक क्यों नहीं किए?
यही तो हर नेता बोलता है कि बस थोड़ा सा हर नेता में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। हम अगर कम बोलते तो आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या किया, आपको नहीं मालूम था कि मैंने यहाँ तक सीएम साहब का फंड भी लाके लगा चुकी हूँ, आपको नहीं मालूम था। मैंने बताया ना क्योंकि मैंने रस्ते पे बैनर नहीं लगाया, आप लोग को नहीं मालूम है क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन जब आप पूछेंगे मुझे तो ये बातें मैं बताऊंगी, लेकिन नहीं पूछेंगे तो ये काम चल रहा है। आप जो है हर कचरे से लेते हुए अन्य कामों में आप पहुंच जाते हैं, तो क्या ये फेमस होने के लिए करते हैं क्या आप? अगर हमारे दरवाजे के सामने का कचरा हमने उठाया, हमने अगर हमारे पड़ोसी का कचरा नहीं उठाया, या चलो कभी जाके मैंने उठा लिया, हमारे एरिया का कचरा कभी उठा लिया, तो फेमस होने के लिए करेंगे? नहीं, हमारा काम है, हमारा काम है, कहीं भी पहुंच जाती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं पूछती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाके वहाँ कचरा साफ करना हो, लोग तो कहते हैं आप स्टैंड बाजी करते हैं। क्या किया कभी? देखा आके जो है कचरे में फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद स्टैंड बाजी करते हैं। अच्छा, वो पानी में खड़े रह के नहीं खिंचवाया फोटो, आपने देखा होगा कुछ मुमरा में, वो तो बोलो शुक्र है अगर वहाँ भी खड़े हुए करवा दे तो आप उसको भी स्टैंड बोलते हैं। लेकिन आपको पता है जहाँ बाढ़ आई थी उस दिन रिदा रशीद ने क्या किया और सरकार ने क्या किया पता है आप लोगों को? क्योंकि हमने फोटो नहीं चलाया, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ वो किसी ने बोल दिया तो स्टैंड बोलने वाला है, कोई मेरे सामने लाइए ना, हम उसके फोटो बताएंगे। आप जितेंद्र अवार्ड के सोच के खिलाफ हैं या उनको फेवर करते हैं? कौन जितेंद्र अवार्ड? पहला तो मैं जानती नहीं हूँ, अभी 15 दिन के जो विधायक रहे हैं वो जितेंद्र अवार्ड, क्या सपोर्ट करने का उनको, किस तरीके से मानने का उनको, क्या किया है उन्होंने मुझे बताइए, मुमरा के लिए क्या किया है उन्होंने? फोटो लगाने के सिवा, रात को चोरी छुपे रिबिन काटने का सिवा, आप विधायक है मुझे बताइए विधायक का कौन सा रिबिन कटा आपने? तो जितने रिबिन काटे वो नगर सेवकों के काटे, नाली गटरों के काटे। आपने एक हॉस्पिटल का रिबिन काटा, आपने एक अच्छी बड़ी स्कूल का रिबिन काटा, आपने सरकार के बड़े योजना को यहाँ लगाते हुए वो रिबिन काटा, आपने ऐसा क्या करते हुए रिबिन काटा है जो आपका कोई नाम भी याद रखे या आपको कोई पहचाने भी? क्योंकि अगर हरकतें ऐसी नहीं हो तो रात को बाईपास की रिबिन रात को 2-3 बजे नहीं कटे। आपको ही पता है कि आपको पब्लिक मान सम्मान तो देगी नहीं, तो आप क्या करते हो रात को 4 लोग को ले जाके काट देते हो। बहुत सारी ऐसी हरकतें होती है, नगर सेवक हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, गटर का रिबिन आप काटते हो। अभी मुमरा कौसा के लिए अगला कदम आपका क्या रहेगा, किस तरह से लोगों को जो है आप अपने एनजीओ के थ्रू, आप बीजेपी के थ्रू जो है किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा काफ़ी सारी योजना है जो सरकार की है, दिल्ली सरकार या हमारे सीएम साहब की है, उनको यहाँ से ज़्यादा लाना मेरा मकसद यही है, ना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स यहाँ लाना। एक बात और मुझे बताइए, आपने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, किसने नहीं किया है? यहाँ के सो कॉल नेता लोग, जितेंद्र अवार्ड, एक मिनट, जितेंद्र आपने, आपका सीधा सीधा निशाना है कि जितेंद्र अवार्ड ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तो आपके पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है? देखिए, आमदार चुन के पब्लिक देती है, हाँ। नगर सेवक चुन के जब देती है ना, हाँ। जब आमदार विधानसभा में जाता है, नगर सेवक टीएमसी में जाता है, उसने कुछ किया होता तो इतनी बड़ी स्कीम, लोगों को घर मिल सकता है, सरकार घर बनाने के लिए जगह भी दे चुकी है, तो क्या किया होता उन्होंने, जल्द से जल्द स्कीम को लागू करवाया होता, घर बनवा दिया होता, और इतना अगर आमदार का श्रेय लेना है तो वहाँ पर खड़े रह के लोगों को घर भी दिलाया होता। आप कह रहे हैं कि जो है कुछ काम नहीं हुआ है, तो जितेंद्र अवार्ड जो पिछले 10 सालों से मुमरा में आमदार रहे हैं, अभी फिर विधायकी में चुनाव में खड़े होंगे वो, तो बिना काम किए ही लोग उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं, उन्हें क्यों जिता रहे हैं? देखिए, हमारे लोगों की बात करूं मैं, हमारे लोगों को लगता है क्या पता नहीं पहले का क्या स्टोरीज है नहीं मालूम, लेकिन आज लोग नहीं बोलते, वक्त आने दीजिए ना, आ ही रहा है, 15 दिन के आमदार है, जाने दीजिए, मैंने 10 तारीख का बोला आपको कि 15 दिन रह चुके हैं, बस उसके बाद देखिए। किस गारंटी से आप कह सकते हैं कि जाने वाले हैं 15 दिन? बताइए ना, काम बताइए ना, हम तो देखो हमारी सरकार और हम कार्यकर्ता काम पे ही बात करेंगे, हम योजनाओं पे बात करते हैं, हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें लोगों के पास योजना पहुंचानी है, सरकार का काम पहुंचाना है। अभी तक कितने लोगों को योजना आप पहुंचाए? काफी, एक साल के अंदर आपने कितने काफी पहुंचाया मैंने, तो आप ही देखिएगा मुमरा में सब चीजें यहाँ आएंगी, एक शादी घर
आज आपको पता होना चाहिए, शादी घर का इतना बड़ा फंड दे रखा है सरकार ने। एक शादी घर बना यहाँ पर, एक शादी घर बना यहाँ पर, मालूम ही नहीं है हमारे लोगों को। क्या सरकार बोलती है कि शादी घर हम देंगे, यहाँ पर उर्दू हाउस देंगे हम, हर्ष हाउस देंगे हम, कौन बोलती है ये सब बातें? सरकार बोलती है। यहाँ के लोगों को तो चोरी की आदत हो गई है, चोरी करना और लोगों में देना। आज रास्ते कौन बना रहे हैं? नितिन गडकरी साहब से ये रास्ते बन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रास्ते बन रहे। बाईपास किसने बनाया? आपने बनाया तो दिन में आप उद्घाटन करते ना, रात में क्यों किया आपने उद्घाटन? आपने रास्ता बनाया, आपने रोड वाइंडिंग में डलवाया, तो आप खुल के बात करिए ना। आप मुमरा में क्या कर रहे हो, कलवा में क्या बोल रहे हो? आप कलवा में जाके देखिए इनकी झूठी बातें। आमदार को तो सरकार के पास जाना पड़ेगा ना, तो उस सरकार को कौन बोलेगा? सरकार को तो बोलते नहीं हो, बैनरबाजी करते हो और एक नगर सेवक का काम खुद करते हो आप। मैडम, इस बार जो है विधायकी का चुनाव अब नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट यहाँ से उतारेंगी? बिल्कुल उतारेगी, अभी गठबंधन के हिसाब से ही जो भी होगा, लेकिन बीजेपी या सेना जो भी उतरेंगी यहाँ से, वो विजय पाएंगे और उसके लिए काम चल रहा है। और इंशाल्लाह बिल्कुल इस बार काउंटिंग अलग नहीं, साथ में ही करेंगे और इस बार ये सीट हमारी होगी, ये गर्व से बोल सकती हूँ। अच्छा, ये गर्व से आप बोल रहे हैं? बोल रही। ये विधायक जो 10 सालों से है, वो अभी वो उनका काम देखे और वो देखे। तो आपने काम ही क्या किया जो आपको चुन के दे देंगे? काम किया क्या उन्होंने? नहीं, लोग किया, अरे लोग भी काम बोल रहे, लोग उन्हें लोग बोलते हो, नशेड़ू लोग बोलते हैं जिनको पॉकेट मिला जाता है, जिनको ड्रग्स दिया जा रहा है, बोल कौन रहा है? आज मस्जिद में मौलाना को देखिए, तो जिता 7 से 8 हजार में, आप नहीं, आप देखिए मस्जिद में जाके मौलाना को पूछिए, 7 से 8 हजार में होता क्या है? घर चलता है, खुद का घर है, आवास योजना अगर आ जावे, घर भी मिलेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, सारा मिलेगा। क्या किया इन्होंने? कार्यकर्ता, वही तो मैं बोलूं, कार्यकर्ता है कौन? कार्यकर्ता वही है जो रस्ते पे उतर के जय जय करते, जिनको पॉकेट चाहिए होते। बाकी के जो कार्यकर्ता है ना, वोट देते, उनको क्या बोलते पता है? आपका काम क्यों करेंगे? आपसे तो पैसा लेके के काम हमने वोट लिया है, ये मेरे सामने मेरी बहनों ने बोला है। हॉस्पिटल की नाम बात कीजिए तो हॉस्पिटल 2 मंजिला वाला बनना था ये, लेकिन ये आमदार नहीं बनाया है, ये खासदार का है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, क्योंकि खासदार वहां बोलता है यहाँ बनता है। लेकिन मुझे बताइए, बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा आदमी है, क्योंकि वो मेरे मुंह भी लग चुका है। आप लोग को पता है, पानी कोई लाता है आपके घर में या पानी कोई पिलाता है तो आप क्या बोलते हो? शुक्रिया बोलते हो क्या? नहीं, जो आपके नगर सेवक ने नहीं किया, जो आपने नहीं किया, वो हमने किया, खड़े रह के पानी लाया। तो आपने क्या लाया यहाँ पे? टैंकर लाया होगा, लाया ना? तो अरे उसमें भी तो मैंने बोला पागल हो गए थे, यहाँ की सत्तेदारी, यहाँ की सो कॉल सत्ता जो चला रही है यहाँ पर मुमरा कलवा में, क्या कर रहे थे रस्ते पे? पागलगिरी कर रहे थे, इसलिए बोलती हूँ इस बार। तो आप टैंकर ला के दे रहे थे, टैंकर से कुछ भला होने वाला है? वक्ती तौर पे भला होगा, लेकिन आप सरकार में हमें ऑन द स्पॉट क्या लगा? आपको जो है यहाँ पे पाइपलाइन लगाना चाहिए था। रमजान में पानी लाई, बिल्कुल पानी लाई, नहीं मालूम आपको? आपने तो हेडलाइन चलाया था, तो बहुत सारे, सुनिए ना, बहुत सारे मसले थे रमजान में, मैं बता रही हूँ ना, जैसे जैसे मसले हमारे सामने आ रहे हैं हम हल करते जा रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कोई मसला मेरे सामने आया और बताइए हल नहीं किया हो, मैंने हल नहीं किया हो। दूसरे दिन हमने डांगर लाया तो क्या हुआ यहाँ पर? रस्ते पे पत्थर ढूंढ रहे थे आमदार, क्या ढूंढ रहा था आमदार? पत्थर ढूंढ रहा था और माँ बहन धो रहे थे सबके, ये शोभा देता है, ये आप लोग की फुटेज में है। आमदार क्या ढूंढ रहा था पूछो, पैसे गिर गए थे उसके। आमदार क्या ढूंढ रहा था रस्ते पे टंकर को मारने के लिए? क्या ढूंढ रहा था? पैसे तो नहीं गिरे थे ना उनके? आमदार क्यों बनाया? आप सुविधा लाओ, सरकार में सुविधा रखी है, आपको लाना है, झोली फैला फैला के लाना है कि चलिए मुझे दीजिए, चलिए मुझे दीजिए। आप तो झोली फैलाने से तो भूल गए, क्योंकि आप आमदार बन गए। आपको आपके नगर सेवक को बंगला बना के देना है, अपना बंगला बनाना है, आपने किया क्या बताइए? किसका बंगला बनाए? कितने लोगों का? अरे जाके देखियो डायमंड हॉल के बाजू में किसका बंगला बनाया। मैं क्यों चोरों का नाम लूं? मैं तो हमारी सरकार की बात करूंगी, मैं अपनी योजनाओं की बात करूंगी, मैं यहाँ पर जो कमी है उसकी बात करूंगी, लेकिन चोरों की बात तो चोर खुद करते हैं, इधर फोटो उधर फोटो, कुछ तो करो। आपने वक्ती तौर पर पानी पहुंचाया, यही आप जो है सरकार से बोल के यहाँ पर पाइपलाइन बिछवा करवा रहे ना? करवाइए, आप करवा रहे ना? करवाएंगे, इंशाल्लाह करवाएंगे। कब करवाएंगे? करवाएंगे, आश्वासन नहीं देंगे, फोटो और रिबिन नहीं कटवाएंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे।
और ये भारत की सरकार बोलती है और ये महाराष्ट्र की सरकार बोलती है कि काम करके दिखाना है, फोटोबाजी नहीं करना है। एक सालों से आपने इस पर काम नहीं कर पाया। बोला ना, पानी के लिए नहीं काम कर पाए, दीमक लाइट के लिए नहीं काम कर पाए, कभी भी चला जाता लाइट, वो तो कब्रिस्तान तक नहीं दिला पाए आप, जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। इंशाल्लाह दिलाएंगे, इंशाल्लाह दिलाएंगे, दौरे करवा दिए। लाइट की बात करोगे आप तो लाइट पे साइन किसने किया है? अगर आप मुझे आमदार बनाओगे तो मेरे बिना साइन के कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना, मेरे साइन से ही होगा ना, मेरा लेटर ही नो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। फिर आपके नगर सेवक बोलेंगे, सुनिए ये स्कीम आएगा वो स्कीम, आपके नगर सेवक ही बोलते हैं, साहब ने तो कर दिया है लेकिन ये हो जाएगा, लाइट 24 घंटा आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। जैसा इलेक्शन आया वही नगर सेवकों ने गिदड़ की रूप बदल ली, वही बोलने लगे अरे हम तो आंदोलन। अरे सबसे बड़ी शर्म की बात है, पानी के लिए आमदार आंदोलन करता है। सोचिए, इसको भीख मांगने के लिए भेजा है, भेगा मंगा इसने कभी भीख? इसको क्यों भेजा यहाँ की जनता ने? जा मांग के लाओ, जाओ मांग के लाओ। आश्वासन दे देते हैं, पानी मंगो तो रास्ता बताते हैं, स्कूल मंगो तो ब्रिज बता देते हैं, वो नहीं कर सकते। आज मुहारा करके दिखाओ, आज आज तो दिखाएंगे, आप करो दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? एक साल हो गया, मैंने तो अभी बोला है। हाँ। ये तो 10 साल से बोल रहा है, तो बस हो गया ना, मौका दे दिए तो आपने भी तो अभी अभी देखिए ना, एक साल हो गया। अगले टाइम अगला 15 दिन के मेहमान को जाने दीजिए ना, दूसरे मेहमान को आने तो दीजिए, इंशाल्लाह ये जाएगा। सब दस्तक दे रहे हैं, शौचालय बोलो, इज्जत घर बोलो या स्वच्छ भारत बोलो। तो अभी तक कितने लोगों को दिया आपने? है आपके पास लिस्ट? मैं आपको दे दूंगी। मुमरा में एक साल से आप जो है आप जाइए, अभी दे रही नहीं, आप योजनाएं दे रहे हैं, किन लोगों को मिला? मैंने पहली बार ऑन द चैनल, आप देख लीजिएगा जिन्होंने भी मेरी इंटरव्यू लिए, जो भी हुआ है, पहली बार मैं आपको गर्व से बोल सकती हूँ कौन से योजना पे काम किया है मैंने, पहली बार बोलूंगी, क्योंकि इसके पहले फेंकने वाली पार्टी तो है नहीं हम। ये थी रीदर रसीद, जो बीजेपी से प्रवक्ता है, मुमरा के विकास पर कई सारी टिप्पणियां किया है, विधायक जितेंद्र अवाल्ट को 15 दिन का मेहमान बताया है और दावे कर रही हैं आने वाले दिनों में विकास क्या है वो दिखाएंगी। ऐसे तो हर नेता दावे करते हैं मगर होता कुछ भी नहीं है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसने कितना विकास किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।